बच्चों, कल हमने कक्षा 6 में संस्कृत विषय में अभ्यास करा था, प्रश्न 1 से 4। आज हम प्रश्न 5 से अभ्यास करेंगे। सब अपनी किताबों खोल कर तैयार हो गए होंगे। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, मैं पढ़ रहा हूँ। चित्रम दृष्ट्वा, सब मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्रम यानी चित्र को, दृष्ट्वा यानी देख करके, उत्तरम लिखत, उत्तर को लिखो। पहला प्रश्न देखिए, बालकह किम करोति। देखिए बालकह एकवचन का शब्द है, एक तो धातु भी अपनी एकवचन की, करोति पठती होता है, वैसे करोति करता है। तो उत्तर में अपने को देखो, चित्र में देखते हैं अपन, बालक पढ़ता है, तो बालकह पठती एकवचन का शब्द, तो एकवचन की धातु। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अश्वौ कः पुरुतः। अश्वौ द्विवचन है, तो पुरुतः, करोति का द्विवचन पुरुतः है। क्या करते हैं दो घोड़े, क्या करते हैं? उत्तर लिखेंगे अश्वौ। अब क्या करते हैं बच्चों? दौड़ते हैं। दौड़ने को हम कहते हैं धातु धाव। दौड़ने की धातु कौन सी होती है? धाव। तो धाव का द्विवचन क्या होता है बोलो? पठति पठत है, पठंती, तो धावती धावत है, धावंती। द्विवचन क्या हुआ? धावत। तो यहाँ पे धावता लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तीसरे पर आइए। कुकुराह किम कुर्वन्ति। कुकुराह बहुत सारे कुत्ते, किम क्या, कुर्वन्ति करते हैं। कुकुराह बहुवचन है, तो कुर्वन्ति भी बहुवचन की धातु है। देखते हैं चित्र में कुकुरा क्या कर रहा है। देखो खड़े हुए हैं और भौंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। तो लिखेंगे कुकुरा। कुर्वंती है, बहुवचन है, तो भौंकने का भी बहुवचन आएगा। भौंकने को कहते हैं बुक। बुक क्या आता? क। भुकंती, भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। अब आगे देखिए, छात्रों किम कुरुत है। देखो बच्चों चित्र में अपने पास दो हैं, तो छात्रों द्विवचन हो गया, तो द्विवचन के साथ कुरुत है भी द्विवचन का आया है। छात्रों किम कुरुत है, दो छात्र क्या करते हैं? तो लिखेंगे दो छात्र क्या कर रहे हैं? खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हैं। सीधे खड़े हैं क्या कहते हैं? उत्तिष्ठा, धातु होती है उत्तिष्ठा, यानी खड़े होना। तो छात्रों द्विवचन है, तो छात्रों। अब मैंने बोला था पठ के अनुसार ही चलेंगे, पठति पठत है, पठंती, उत तिष्ठति उत तिष्ठतः, उत तिष्ठन्ति उत तिष्ठतः, उ त्यादा ति क्षय अधर ठतः, उत तिष्ठतः। अगला देखिए, कृष्का किम करोति। देखिए वापस कृष्का एक वचनम का आ गया, तो करोति भी एक वचनम का आया है। चित्र में देखते हैं किसान क्या कर रहा है। देखो बच्चों, किसान खेत को जोतता है। खेत को अपन क्या कहते हैं? क्षेत्रम। खेत को क्षेत्रम। और क्या करता है? जोतता है। जोतने को कहते हैं कर्षति। क्या कहते हैं? कर्ष। तो हो जाएगा कृष्ट खेत को, तो क्षेत्रम। अब कृषक एक है, तो यहाँ पे धातु भी एक वचन की आएगी। क्या आएगी? कर्षति, कर्षति। अगला देखिए, गजौ किम कुरुत है। देखो गजौ द्विवचन है, तो कुरुत है भी द्विवचन का आया है। देखो अब चित्र में बच्चों, गजौ क्या कर रहे, हाथी क्या कर रहे हैं? दोनों हाथी दोनों चल रहे हैं। चलने की धातु आती है चल, तो द्विवचन क्या हो जाएगा? गजौ। चल का बोले चलती, चलत है, चलती। द्विवचन पे क्या आया? चलत। तो यहाँ पे लिखेंगे हम चलत, गजौ चलत, हाथी चलते हैं। किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करें बच्चों, और ये अपने अपने किताबों में फटाफट भरें। ठीक है, हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6 पर इधर आ जाइए। मैंने प्रश्न नंबर 6 यहाँ लिख रखा है, ध्यान दीजिए इधर। अब है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं हम।
पदानि संयोज्य वाक्यानि रचित। पदानि संयोज्य यानी पदों को मिलाकर के, जो शब्द हैं इनको मिलाकर के वाक्यानि रचित, वाक्यों की रचना करें। तो कैसे करना है बच्चों? रोमन वाले 1 2 3 4 5, 5 शब्द रखे हैं, 5 डाल दीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले शब्द देखते हैं, गधा। गधा कौन सा वचनम है? एक वचनम है, द्विवचनम है, बहुवचनम है? बोलिए बच्चों। राम के शब्द रूप राम है, रामौ रामा। तो वैसे गज के क्या, गज है, गजौ गजा। कौन सा वचनम आया? बहुवचनम, बहुवचनम आया। तो अब इनमें से हम आपको धातु देखनी है, जो इधर दे रखी है, इनमें से हम आपको क्या देखनी है? धातु। कौन सी धातु? जो बहुवचनम की हो। नृत्यन्ति, हाँ। पठती पठत पठंती, अंति जिसमें आता है वो बहुवचन की धातु होती है। पठती एक वचन, ती पठत यानी दह जिसमें आ रहा है वो द्विवचन की, पठंती जो न आता ती आ रहा है वो बहुवचन की धातु होती है। देखो नृत्यन्ति बहुवचन की, आती ना सकते हैं क्या? नहीं। गायति एक वचन, ती आ रहा है, पठत तह आ रहा है इसलिए द्विवचन। चलन्ति बहुवचनम, गर्जतः तह आ रहा है इसलिए द्विवचन। तो इनमें से हाथी नाच तो सकता नहीं है, वो क्या कर सकता है? चल सकता है। तो इसके आगे यहाँ पे वन नंबर डाले हैं, गजा चलन्ति। ठीक है बच्चों, आगे देखिए सिंहों, सिंहों क्या होता है? दो शेर द्विवचन। अब देखिए द्विवचन का कौन सा है? मैंने बताया था द्विवचन में तह आता है, पठती पठत है पठंती, जिसमें ती आता है वो एक वचन, जिसमें तह आता है वो द्विवचन, जिसमें अंति आता है वो बहुवचन का धातु होती है। तह अंति नहीं, ती नहीं, तह एक ही वाला है, और क्या है? पठत। चलंती हो गया अपना, गर्जत, गर्जत यानी गर्जना करना। अब शेर तो पढ़ नहीं सकता, तो शेर क्या करेगा? गर्जना करेगा। तो यहाँ पे 2 नंबर डालिए फटाफट। ठीक है बच्चों, अब आता है गायक। गायक गायक कहते हैं जो गाना गाता है। ठीक है, गायक है क्या है? एक वचन का शब्द है। ठीक है, तो गायक एक वचन का है, तो यहाँ पे अपने को एक वचनम का देखना है। अब ऊपर के 3 वचन बहुवचनम, एक वचनम और द्विवचनम है ना। गायक एक वचन में, तो गायती एक वचन का हो जाएगा। 3 नंबर आगे फटाफट। ठीक है, 4 नंबर पे क्या है? बालकौ। बालकौ क्या होता है? द्विवचनम, दो द्विवचनम होता है, राम है रामू रामा, बालक है बालकौ बालका। बालकौ दो वचनम है, तो यहाँ पे दो बचे हैं, इनमें से द्विवचन कौन सा है? ये बहुवचनम है और ये द्विवचनम, तो बालकौ पठत। यहाँ पे 4 नंबर डालिए। अब एक बच्चा मयूरा, मयूरा बहुवचन है, नृत्यंती भी बहुवचन है, मैंने बताया था अभी। 5 नंबर, ये हमने मिलान करो कर लिए हैं। अब आपको कॉपी में क्या करना है? कॉपी में जब आप लिख काम करेंगे तो किताब की तरह टेबल नहीं बनानी है आपको, आपको सीधे प्रश्न उतारना है 6 नंबर का, और 1 नंबर रोमन के डाल के 1 ऐसे लिखना है। पहला क्या है? गजा, और उसके साथ किसका मिलान करा है? चलंती का, तो गजा चलंती, क्योंकि हमें किताब में बोला गया है कि पदानि संयोज्य पदों को मिला करके वाक्यानि रचित, वाक्यों की रचना करनी है, तो ये इस प्रकार वाक्यों की रचना हुई। ठीक है, आपको जब कॉपी में करोगे तो ऐसे गजा चलंती, सिंहौ गर्जत, गायक गायती, बालकौ पठत, और पांचवा वाक्य होएगा मयूरा नृत्यंती। 5 टाइम्स में आपको ये अलग अलग 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। बच्चों यहाँ पे जब 5 वाक्य किसी के छूट गया कुछ भी, तो वो वीडियो को पॉज करके देख लें ये दोनों प्रश्न, और आप कर सकते हैं, और मैं फिर आगे पढ़ूंगा। बच्चों अब अगला प्रश्न निकालो, अगला पन्ना निकालिए, पेज नंबर 8। 7वां प्रश्न पढ़ेंगे, मंजू शब्द है पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्।
मंजुषाता यानी ये ऊपर जो कोष्ठक दिया हुआ है उसे मंजुषात कहते हैं। ऊपर कोष्ठक में पदम चित्वा पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरे रिक्त स्थानों को पूरा करें। पहला शब्द है नृत्यंती, गर्जतः, धावति, चलतः, फलंती, खादति। ठीक है बच्चों, अब इन शब्दों की सहायता से हमें यहाँ के पांचों रिक्त स्थान छह रिक्त स्थान भरने हैं। मयूरा, देखिए मयूरा क्या है, बहुवचन। मोर क्या कर सकते हैं इनमें से, नृत्यंती ना सकते हैं, तो हम पहले भरेंगे नृत्यंती। फटाफट पढ़िए मेरे साथ। दूसरा है गजव, गजव यानी हाथी। देखो द्विवचन है, द्विवचन का क्या हो सकता है, गर्जता है, दहाड़ सकते हैं, हाथी दहाड़ सकते हैं क्या, नहीं। धावती, दौड़ नहीं सकते, चलत, चल सकते हैं, तह आ रहा है तो गजव चलत। द्विवचन है तो द्विवचन की धातु आ रही है। वृक्षा, अब पेड़ क्या कर सकते हैं, पेड़ों पे क्या हो सकता है, बचे हुए शब्द, गर्जना नहीं कर सकते, दौड़ नहीं सकते, फल हो सकते हैं यानी फल दे सकते हैं, फलंती यानी फल दे सकते हैं, खादंती खा नहीं सकते, तो वृक्ष कर सकते हैं, फलंती फल दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा फलंती। ठीक है, अगला देखेंगे सिंह। सिंह क्या है, द्विवचन। सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, गर्जता। ठीक है बच्चों, वानर है, वानर क्या होता है, बंदर, एक वचन है, तो एक वचन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने पास दो एक वचन की धातु बची है, एक तो धावती है और एक खादती है। वानर दौड़ नहीं सकता, उछल कूद करता है या फिर खाता है, तो वानर है खादती। और अश्व है धावती, दौड़ता है। ठीक है बच्चों, किसी का रह गया हो तो ध्यान से वीडियो को पॉज करें और ध्यान से फटाफट लिखना है। आइए हम प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मैं किताब में पढ़ रहा हूं। सह तव ते इत्येभ्य, ध्यान से देखिए, मेरे पीछे पीछे पढ़िए, इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। सह यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, इत्येभ्य आदि उचितम सर्वनाम पदम उचित सर्वनाम पद चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत्। इन रिक्त स्थानों में हमें भरना है। अगर एक वचन का होगा तो सह रहेगा, अगर द्विवचन का शब्द होगा यहाँ पे तो तव आएगा, और बहुवचन का शब्द हुआ तो क्या आएगा, ते। ठीक है, अश्वह धावती, अश्वह एक वचन है तो सह आ रहा है, सह धावती। ठीक है, गजा, गजा क्या है, बहुवचन, तो यहां पे क्या आएगा, ते। भरिए फटाफट, गजा चलंती, तो सर्वनाम शब्द के साथ क्या हो जाएगा, ते चलंती। छात्रों पठत, छात्रों कौन सा वचन है, द्विवचनम, कौन सा वचन है, द्विवचनम, तो छात्रों के लिए क्या आ जाएगा, तव, क्या आ जाएगा, तव। वानरा क्रीडंती क्या है बच्चों, वानरा क्रीडंती, वानरा कौन सा वचन है, बहुवचनम, तो वानरा के लिए क्या आ जाएगा, ते, ते क्रीडंती। फटाफट भैया अगला देखिए, गायक है गायते, गायके कौन सा वचन है, एक वचनम, तो एक वचनम के लिए क्या आता है बच्चों, सह। ठीक है, तो सह गायते जी हो गया। मयूरा नृत्यंती, मयूरा कौन सा वचन है बच्चों, बहुवचनम, तो बहुवचनम में क्या आता है, ते। ते नृत्यंती। ठीक है बच्चों, यह हमारा इस पाठ का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब आपको कॉपी में कौन क्या करना है देखिए बच्चों,
कॉपी में आपको प्रश्न नंबर दो निशान लगा लीजिए। प्रश्न नंबर दो का क और ख, प्रश्न नंबर तीन, प्रश्न नंबर पांच। प्रश्न नंबर पांच में आपको प्रश्न और उत्तर लिखना है, केवल चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने प्रश्न उत्तर लिखाए थे कल, तो प्रश्न उत्तर करने हैं आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल लीजिएगा उनके नंबर। 6 में मैंने आपको इनका मिलान करो करवा के रचना करवाई थी, यहाँ बोला था कि नई लाइन में 1 से 5 तक नंबर डाल के इनको वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 मैं होमवर्क लिख देता हूं। दो का क और ख, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 5 6 7 व 8, ये आपको अपने होमवर्क में करना है। आज की कक्षा यही समाप्त होती है, ठीक है बच्चों।